जहाँ से बहुत सारी प्रतिभाएं जो हैं वो किसी भी विषय को जागृत स्वरूप देने का काम करती हैं। इंटरटेनमेंट का ही साधन है रंगमंच भी, क्या है, इंटरटेनमेंट का साधन है जो समाज की वास्तविकता को प्रतिबिंबित करने का काम करती है। जो समाज है, समाज में जो वास्तविकता है, कहा जाता है ना कि साहित्य और सिनेमा जो होते हैं वो समाज का दर्पण, तो सिनेमा का ही पार्ट है रंगमंच। तो ये समाज का जो विषय है, समाज में व्याप्त जो, जैसे इश्यूज की बात करें तो इश्यूज जो होते हैं, जैसे दहेज हत्या, दहेज प्रताड़ना, घरेलू हिंसा, महिलाओं के साथ जो जुड़ा है, किसानों की समस्या, मजदूरों की समस्या, ठीक है, पूंजीपतियों का शोषण, बहुत सारी चीजें हैं जिसको जब व्यक्ति सामूहिक रूप से बताने की सोच रखता है तो उसका माध्यम कहीं ना कहीं रंगमंच को बनाता है ना। और भारतीय समाज में, ठीक, और भारतीय समाज में रंगमंच की व्यवस्था भी प्राचीन युग से चलती चली आ रही है। लोगों के बीच अपनी बात को रखने का एक आधार होता है रंगमंच, और ये चलती चली आ रही है। लिख लीजिए, भारत में रंगमंच ना केवल मनोरंजन का एक साधन माना जाता है, बल्कि समाज की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने का बल्कि समाज की वास्तविकताओं को प्रतिबिंबित करने का कार्य भी करता है, प्रतिबिंबित करने का कार्य भी करता है। इसके भी दो प्रमुख प्रकार हैं। पहला शास्त्रीय लोकमंच, और दूसरा लोक रंगमंच। लोकमंच कहें या रंगमंच कहें, दोनों एक है। लोक रंगमंच, ठीक। शास्त्रीय के अंतर्गत कौन से रंगमंच आते हैं, जो एनएसडी में प्ले किए जाते हैं, नेशनल लेवल पर, जो बड़े बड़े शास्त्रीय आधार पर, ठीक है, रंगमंच को अंजाम दिया जाता है, वो सारे इसमें आते हैं। बाकी लोक रंगमंच के अंतर्गत क्षेत्रीय आधार पर जो पेशेवर होते हैं, क्षेत्रीय आधार पर जो रंगमंच की व्यवस्था होती है, अब देखिए कौन सा टॉपिक चल रहा है, ये कौन सा टॉपिक है, भारत की विविधता में जो दूसरा टॉपिक भारत की विविधता वो चल रहा है, और उसमें भी हम लोग काफी आगे आ गए हैं, ठीक है। तो आप इसको चलिए आगे आप सुनिए कि जो लोक रंगमंच होता है, लोक रंगमंच ये क्षेत्रीय आधार पर इसका विस्तार होता है, जिसमें अगर कहा जाए तो कठपुतली है, ये भी एक रंगमंच का ही एक स्वरूप है। और न केवल ये आज दिखाई पड़ता, आज तो इसकी प्रासंगिकता बहुत कम हो गई है, लेकिन प्राचीन अवस्था में ये समृद्ध रंगमंच का काम करता था। एक समृद्ध रंगमंच शैली को प्रदर्शित करने का काम कठपुतली करता था, ठीक है। इसके अलावा जो रंगमंच की आज बहुत सारी इकाइयां हैं, वो शौकिया रंगमंच कोई शौक से कर रहा है, जैसे आप देखते हैं कि अब कल से नवरात्र शुरू है, तो अभी इस बार तो मान लीजिए रामलीला और ये सारी चीजों का स्थगन कर दिया गया है, नहीं होंगे, लेकिन पिछले जो अभी तक हुए हैं उसमें देखिए बहुत से लोग, जैसे दिल्ली में जो रामलीला होता है,
तो उस रामलीला में कुछ लोग शौकिया किरदार निभाते हैं, जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन। अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री भी थे और उसमें उन्होंने जनक का रोल किया। तो ये शौकिया जो कहीं से भी, कोई ऐसा नहीं कि वो आधार ही है उनका, लेकिन शौकिया रंगमंच की स्थिति में रहते हैं। तो बहुत सारे लोग ऐसे आपको दिख जाएंगे जो शौकिया रंगमंच के रूप में अपने कार्य को अंजाम देने का काम करते हैं। और इसी प्रकार भाषाओं का की विविधता भी रंगमंच में दिखाई पड़ती है। तो भाषाओं की विविधता, जिस प्रदेश में जो रंगमंच होगा वो उसमें भाषाएं उसी तरीके से होंगी। और बेसिक रूप से जो नेशनल लेवल पे हैं उसमें हिंदी और अंग्रेजी का वर्चस्व ठीक है। हिंदी की मूवी और अंग्रेजी की मूवी, या हिंदी में बोलना और अंग्रेजी में बोलना, ये दो प्रमुख भारत में रंगमंच के आधार, यानी शब्द सॉरी भाषाओं का अगर स्वरूप देखा जाए तो ये दो प्रमुख भाषाएं दिखाई पड़ती हैं। ठीक, लिख लीजिए। कठपुतली, कठपुतली रंगमंच, कठपुतली रंगमंच भारत में, कठपुतली रंगमंच भारत में एक समृद्ध परंपरा रही है, एक समृद्ध परंपरा रही है। साथ ही साथ अर्ध व्यवसायिक यानी व्यवसाय में पूरी तरीके से नहीं बल्कि अर्ध व्यवसायिक काम कोई और है, मन किया तो चले गए, शौकिया अर्ध व्यवसायिक तथा शौकिया रंगमंच समूह भी विशेष स्थान रखते हैं। जो भारतीय भाषाओं तथा अंग्रेजी में कठपुतली रंगमंच भारत में समृद्ध परंपरा रही है, साथ ही साथ अर्ध व्यावसायिक तथा शौकिया रंगमंच, अर्ध व्यावसायिक तथा शौकिया, अर्ध व्यावसायिक तथा शौकिया रंगमंच समूह भी हैं, जो भारतीय भाषाओं और अंग्रेजी में नाटकों का मंचन करते हैं, नाटकों का मंचन करते हैं। नेक्स्ट लिखिए, भारतीय चित्रकला, चित्रकला इसमें मैं कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल दे दे रहा हूं, बाकी आर्ट एंड कल्चर में आप डीप से पढ़ेंगे इसको, तो इसमें एग्जाम्पल की जरूरत है, बाकी इसकी जो चीजें हैं एप्लीकेशंस, भारतीय चित्रकला। देखिए चित्रकला भी क्या है, ये भी इंटरटेनमेंट और शौकिया रहा है। कुछ युग भी रहे हैं जिसमें भारत के कि जिसमें चित्रकला को बढ़ावा देने का काम किया गया है। ठीक है, अगर मुगल काल में देखा जाए तो उसमें भी ऐसी व्यवस्थाएं देखी गई हैं, और आज भी अगर देखा जाए तो बहुत सारी पेंटिंग हैं ऐसी कि जिनको भारत में एक विशेष आधार प्रदान होता है। मधुबनी पेंटिंग बिहार की, जिसको हाल ही में भी कुछ जो बनाने वाली थी एक देवी करके, उनको पद्मश्री भी दिया गया था, है ना। तो उसकी अपनी एक विशेषता है, कहीं भी अगर ऐसा होगा तो ऐसी कोई पेंटिंग दिखाई पड़ती तो पता चल जाता है कहाँ की पेंटिंग रही है। तो ऐसे बहुत सारे काल रहे हैं। ठीक है, हाँ, GI टैग भी मिला है। तो
ऐसे काल रहे हैं, जैसे गुप्त हो गया, राजपूत शैली, मुगल शैली, चंबा, गढ़वाल, दक्कन, ये सारे जो हैं, इसमें भी इनकी अपनी अपनी विशेषताएं रही हैं पेंटिंग्स की। तो इसको लिख लीजिए, एग्जाम्पल लिख लीजिए, भारतीय समाज में चित्रकला को एक विशेष स्थान प्राप्त रहा है। इनके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। इनके कुछ उदाहरण निम्नलिखित हैं। पहला लिखिए गुप्त चित्रकला। इसमें लिख लीजिए, इसका गुप्त चित्रकला का उदाहरण क्या है? अजंता, जो अजंता की गुफाएं हैं उसमें जो पेंटिंग्स हैं वो सारी गुप्त चित्रकला का उदाहरण है। अच्छा देखिए, पेंटिंग पहले, अब तो पेंटिंग होती है वॉल पे जैसे करते हैं, या फिर उसका एक बैनर आता है उस पे करते हैं। पहले लोग पेंटिंग जो पत्थर पे करते थे तो स्थापत्य और चित्रकला दोनों में सम्मिलित कर लेते थे। ठीक, तो अजंता की चित्रकलाएं जो हैं वो गुप्त चित्रकला का उदाहरण है। नेक्स्ट लिखिए राजपूत शैली। राजपूत शैली इसमें लिखिए राजस्थानी चित्रकला जिसमें मेवाड़, मारवाड़ आदि सम्मिलित हैं। जिसमें मेवाड़, मारवाड़ आदि सम्मिलित हैं। जबकि बारहमासा रामायण प्रेम श्रृंगार, प्रेम श्रृंगार आदि राजपूत शैली की विशेषताएं हैं। राजपूत चित्रकला शैली की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट लिखिए मुगल शैली इसमें लिखिए मानव चित्र आदि। मुगल शैली में लिखिए मानव चित्र आदि। नेक्स्ट चंबा शैली। चंबा शैली में लिखिए रंग महल आदि। रंग महल आदि। नेक्स्ट गढ़वाल शैली इसमें लिखिए बिहारी सतसई तथा गीत गोविंद तथा गीत गोविंद के अनेक चित्रों का निर्माण के
अनेक चित्रों का निर्माण। मैं बोल रहा हूं कि एक आर्ट एंड कल्चर का पार्ट है, बहुत डीप में मत जाइए अभी। आर्ट एंड कल्चर में आप इसको और बहुत डीप में पढ़ेंगे, फिर वही गलती करते हैं कि जब आंसर लिखना होता है तो जो मूल चीजें होती हैं वो छूट जाती हैं, बाकी उसमें जितना नॉलेज है सब उठा करके रख देते हैं। ठीक है, जितना जरूरत है उतना मैं बोल रहा हूं। नेक्स्ट लिखिए, दक्कन शैली। दक्कन शैली, इसमें लिखिए वेशभूषा। वेशभूषा पर मालवा का विशेष प्रभाव। पर मालवा का विशेष प्रभाव, यानी वेशभूषा में जो वैरायटी है मालवा का, वो विशेष प्रभाव इस दक्कन शैली के अंतर्गत दिखाई पड़ता है। नेक्स्ट, सब ये सब इंटरनेट है आप लोगों के पास, सारी शैलियों को एक बार पेंटिंग में अगर बहुत जानना है तो आप इस पे टाइप करिए गूगल पे जा करके, और इसकी सारी विशेषताएं पेंटिंग के इमेज के रूप में आप देख लीजिए। ठीक है, चंबा में रंग महल, रंग महल जो होता है, रंग महल की जो विशेषताएं हैं वो चंबा शैली का ही, यानी चंबा शैली से ही लिया जाता है। रंग महल की जो पेंटिंग्स होती हैं मैक्सिमम वो चंबा शैली की ही विशेषता है। ठीक, तो आप लोग क्या करिए, इन सारे जो भी हैं इसको एक बार नेट पे आप डाल करके चेक कर सकते हैं, उसमें इमेज आप देख सकते हैं कि इनकी पेंटिंग कैसे है, मुगल हो, चंबा हो, गढ़वाल हो, दक्कन हो, जो भी है। नेक्स्ट लिखिए सिख शैली। सिख शैली, हाँ दीपक, ठीक, सिख शैली, इसमें लिखिए श्री कृष्ण, श्री कृष्ण की लीलाओं से संबंधित। एस डी बनर्जी, ठीक है, श्री कृष्ण के लीलाओं से संबंधित जो चित्रकला शैली है, श्री कृष्ण के लीलाओं से संबंधित शैली, यानी चित्रकला की जो शैली श्री कृष्ण के लीलाओं से संबंधित है वो सिख शैली के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट, मधुबनी चित्रकला। मधुबनी चित्रकला, नेक्स्ट हेडिंग डालिए भारतीय वास्तुकला या स्थापत्य कला। भारतीय वास्तुकला या स्थापत्य कला, भारतीय वास्तुकला व स्थापत्य, स्थापत्य कला, इसमें लिखिए मौर्य काल। पहला लिखिए मौर्य काल। देखिए स्थापत्य कला का भी अपना, मधुबनी पेंटिंग में कुछ नहीं, आप इसको सर्च कर लीजिएगा, मधुबनी पेंटिंग क्या होती है, उसकी इमेज और विशेषता क्या होती है उसको देख लीजिएगा। सब मैं बता रहा हूं बार बार आपको कि आर्ट एंड कल्चर के पार्ट हैं, बहुत डीप नहीं देखना है आपको, नाम नाम याद रखना है, फिर भी बार बार एक ही क्वेश्चन आप लोग कर रहे हैं। ठीक, हाँ मैं बोल रहा हूँ ना आर्ट एंड कल्चर का है, लेकिन यहाँ पे उसके ऊपर जो मतलब ऊपरी जो भाग है वही आपको देखना है। लिखिए आगे, दीप यहां नहीं पूछने वाला है। लिखिए मौर्य काल, मौर्य काल में जो विशेषताएं रही हैं स्थापत्य वास्तुकला की, उसमें लिखिए मौर्य काल में क्या रही हैं, काष्ठ निर्मित भवन। काष्ठ मतलब लकड़ी से बने हुए जो भवन होते थे वो मौर्य काल की विशेषताएं रही हैं। मौर्य काल वास्तुकला की विशेषताएं रही हैं। अधिकांश जो भवन बनते थे
वो मौर्य काल में काष्ठ निर्मित होते थे और 2 मंजिला 3 मंजिला इमारत होती थी। तो बड़ा इसका प्रभाव देखा जा सकता है कि मौर्य काल में किस प्रकार से स्थापत्य कला या वास्तुकला विकसित थी। नेक्स्ट, गुप्त मूर्ति कला। गुप्त मूर्ति कला यानी गुप्त काल में जो मूर्ति कला है वो वास्तुकला या स्थापत्य कला का एग्जाम्पल है। वास्तुकला इसको कह सकते हैं। लिखिए, इसमें विशेषता कौन सी है? सारनाथ और मथुरा, सारनाथ मथुरा तथा सारनाथ मथुरा तथा सुल्तानगंज में बुद्ध की सुंदर मूर्तियां, यानी सारनाथ मथुरा और सुल्तानगंज में जो बुद्ध की सुंदर मूर्तियां बनाई गई हैं वो सब गुप्त मूर्ति कला वास्तुकला कह सकते हैं, इसका एग्जाम्पल है। नेक्स्ट लिखिए, गांधार शैली। गांधार शैली लिखिए, गंधार शैली भारतीय, इसमें लिखिए क्या है विशेषता? भारतीय तथा यूनानी कला का मिश्रण। भारतीय तथा गंधार शैली, गंधार शैली में क्या विशेषता रही है कि इसमें भारतीय तथा यूनानी जो कलाएं हैं स्थापत्य की या वास्तु के, उनका मिश्रण, मिश्रित स्वरूप जो है वही गंधार शैली है। ठीक, भारतीय तथा यूनानी कला का मिश्रण या फिर मिश्रित स्वरूप। नेक्स्ट, मथुरा शैली। मथुरा शैली मथुरा शैली में लिखिए, इसकी विशेषता जो रही है, बालों तथा मूछ रहित मूर्तियों का निर्माण होता था। बालों तथा मूछ रहित, मूछ बालों तथा मूछ रहित मूर्तियों का निर्माण होता था। नेक्स्ट, नागर शैली। नागर शैली, नागर शैली में लिखिए, नागर शैली भुवनेश्वर, नागर शैली में लिखिए भुवनेश्वर के मंदिर भुवनेश्वर के मंदिर कौमा कंदरिया महादेव मंदिर इसका प्रमुख उदाहरण है। भुवनेश्वर के मंदिर और कंदरिया महादेव के मंदिर को अगर देखा जाए तो ये दोनों प्रमुख रूप से, ऐसे और भी एग्जाम्पल इसके मिल जाएंगे, उदाहरण है। नेक्स्ट नेक्स्ट, द्रविड़ शैली। द्रविड़ शैली इसको लिखिए, इसमें क्या है? दक्षिण भारत में, दक्षिण भारत के मंदिरों में विशेष रूप से देखा जा सकता है। नेक्स्ट नेक्स्ट, राष्ट्रकूट, राष्ट्रकूट शैली इसमें लिखिए, एलोरा एलिफेंटा महाबलीपुरम,
एलोरा, एलिफेंटा, महाबलीपुरम। आदि आदि। नेक्स्ट, बेसर शैली, बेसर शैली। बेसर शैली, बेसर शैली क्या? नागर तथा द्रविड़ शैली का मिश्रित स्वरूप जो है, नागर तथा द्रविड़ शैली का मिश्रित स्वरूप। इसके साथ साथ ये तो कुछ शैलियां हैं, इसके अलावा जो स्थापत्य वास्तु में विभिन्न निर्माण देखे जा सकते हैं, वो दिल्ली सल्तनत से लेकर के मुगल काल तक या उसके बाद जो भी स्थितियां देखी इसमें है, लिख लीजिए। ऐसे ही कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, गोलकुंडा। कुतुब मीनार, अलाई दरवाजा, गोलकुंडा, गोल गुंबद, गोल गुंबद, आदि, गोल गुंबद आदि। ठीक, ये सारे स्थापत्य कला या वास्तुकला के अंतर्गत देखे जा सकते हैं। अब इसके बाद जो बचता है वो हो गया खान पान। खान पान आपको पता है कि दक्षिण में क्या है, इडली सांभर डोसा, है ना। दक्षिण, आप जब खान पान पता करना है किसी रेस्टोरेंट में जाइए, ठीक है, जो अच्छा हो, और उसमें जाइए, उसका जो मेन्यू कार्ड होता है उसको उठा लीजिए और उसमें देख लीजिए, साउथ इंडियन डिश आपको मिल जाएगा, ठीक है। नॉर्मल जितने भी हैं यहाँ पे कॉन्टिनेंटल डिजर्ट्स जितने हैं सब मिल जाएंगे। तो उसको एक पेपर पे नोट कर लीजिए, खान पान पता चल जाएगा कि कहाँ का कौन सा खान पान है। ठीक, लगभग ठीक है। जहां का खाना खान पान जो है वो आपको नॉर्मली, जैसे राजस्थान हो गया दाल बाटी चूरमा, आप पंजाब चले जाएंगे सरसों की साग, ठीक है, मक्के की रोटी हो गया, उत्तर भारत में लिट्टी चोखा हो गया, ठीक है, दक्षिण भारत में आप जाएंगे तो इडली सांभर डोसा, ये सारी चीजें हो गया। तो ऐसे आप कहीं, आप जहां जाएंगे तो लगभग हर जगह का एक प्रमुख व्यंजन होता है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको समझ सकते हैं और लिख सकते हैं। ऐसे वेशभूषा भी परिधान के रूप में समझ सकते हैं कि दक्षिण भारत में शर्ट और लुंगी पहनना, और उत्तर भारत में अगर आएंगे आप तो पश्चिम में अगर चले पंजाब में तो वहां पे भी वही स्थिति है कि मखमल की चीजें और किस तरीके से पहनते हैं। और जो परिधान में आप आएंगे तो पुरुष और महिला दोनों को देखते जाइए, ठीक है। तो इसमें आपको सारे परिधान पता चल जाते हैं कि कैसे होगा, ये सब आसान है, इसको आप अपने आप से देख सकते हैं, इसमें कोई लिखाने या बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, नेक्स्ट है राजनैतिक विविधता। राजनैतिक विविधता भी बताने की जरूरत नहीं है, वो भी बहुत सिंपली हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है, ठीक है। जो जो प्रशासन रहे हैं, शासन प्रशासन किस समय प्राचीन अवस्था में, मध्यकालीन भारत में और आधुनिक भारत में कैसे रहे हैं, सिंपली आप उन्हीं को वर्णित कर सकते हैं, ठीक है। राजतंत्र रहा है, दो समय में राजतंत्र रहा है और उसके बाद फिर लोकतंत्र आ गया है, बीच में कुछ औपनिवेशिक व्यवस्था थी जो भारत से परे था। तो ये सारी चीजों को आप इजिली समझ सकते हैं। अब हम लोग बात करेंगे कि विविधता में किस प्रकार से एकता को स्थापित करने वाले तत्व दिखाई पड़ते हैं, कौन से ऐसे तत्व हैं जो भारत की विविधताएं हैं उसको एकता में परिवर्तित करने का काम करते हैं। हेडिंग डाल लीजिए, भारत में। अच्छा, जो ऑप्शनल के बच्चे हैं, सोशियोलॉजी ऑप्शनल के जो बच्चे हैं, तो एक बोला था मैंने कि एक नोट्स दे दूंगा मैं, तो आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। आप लोग फोन करके बार बार इस सारी चीजों, छोटे बच्चों की तरह काम करते हैं, थोड़ा सा धैर्य रखिए, सब मिलेगा, ठीक
ठीक है, मैं बोलो इधर से, मुंह से बोला नहीं उधर आपके हाथ में पहुंचे, ऐसा नहीं होता। थोड़ा धैर्य रखिए, सब पहुंच जाएगा आपके पास, कुछ भी नहीं छूटेगा, ठीक है। और एक दिन में आप कवर भी नहीं कर पाएंगे, इतना भी नहीं कि आप बस तुरंत आपको चाहिए, तुरंत आप जा रहे हैं एग्जाम में बैठने, छूट जा रहा है, सब खत्म हो जा रहा है, कहीं भाग जा रहा है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा सा मेच्योरिटी का परिचय दीजिए कि आप जो है आईएएस की तैयारी कर रहे हैं, तो लगना चाहिए थोड़ा सा समय जो है वो उसके साथ चलिए, मिल जाएगा आपको, कुछ भी नहीं छूटेगा। थोड़ा सा धैर्य रखिए, लिखिए भारत में, हेडिंग डालिए भारत में विविधता के बीच, भारत में विविधता के बीच एकता स्थापित करने वाले कारक, भारत में विविधता के बीच एकता स्थापित करने वाले कारक। मैं इसको आप लोगों को पॉइंट में लिखा दे रहा हूं, ठीक है, इन्हीं पॉइंट को आप डिराइव कर देंगे तो सब कुछ क्लियर हो जाएगा। पहला लिखिए संवैधानिक पहचान, संवैधानिक पहचान, वो कारक कौन कौन से हैं, तो पहला उसमें कारक है संवैधानिक पहचान। देखिए संवैधानिक पहचान का मतलब क्या है, यूनिटी जो होती है, एक संविधान एक देश, तो इससे क्या होता है जो अनेकता है वो एकता में परिवर्तित हो जाती है। कोई भी व्यक्ति है, वो दक्षिण का हो, वो उत्तर का हो, पूरब का हो, पश्चिम मध्य कहीं का है, सब पे एक ही संविधान काम करता है, तो सबको ये लगता है कि हम एक ही राष्ट्र के हैं, और एक राष्ट्र के हैं तो उनमें हम की भावना होती है, और हम की भावना क्या करती है, जो अनेकता है उसमें एकता को बरकरार रखने का काम करती है। तो ये संवैधानिक जो पहचान है, एक संविधान और एक देश, तो इस स्थिति से भारत की अनेकता में एकता दिखाई पड़ती है। ठीक, नेक्स्ट, धार्मिक सह अस्तित्व, धार्मिक सह अस्तित्व, धार्मिक सह अस्तित्व का मतलब क्या है कि इतने धर्मों का एक साथ निवास होना, तो यह भी दिखाई पड़ता है कि इतनी विविधता धर्मों में है और साथ साथ रह रहे हैं, तो कहीं ना कहीं यूनिटी इसमें है, तभी रह रहे हैं। तो एकता को प्रदर्शित करने का, इतने धर्मों का सह अस्तित्व अगर नहीं होता, कोई एक धर्म होता, तो यूनिटी जो थी वो नहीं दिखाई पड़ती, क्योंकि जब वैरायटी नहीं है तो यूनिटी उसमें कैसे होगी। तो विविधता, यहाँ पे विभिन्न धर्मों का एक साथ अस्तित्व में रहना, ये कहीं ना कहीं अनेकता में एकता को प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट, अंतरराज्यीय संचरण, अंतरराज्यीय संचरण, इंटर स्टेट मूविंग जो होती है, यानी कि टूरिज्म जो घूमना टहलना आना जाना, ठीक है, तो इंटर स्टेट आवागमन जो होता है, कहीं भी भारत, कोई व्यक्ति उत्तर प्रदेश से है तो कहीं भी जा सकता है, कोई व्यक्ति तमिलनाडु का है तो पूरे भारत में कहीं जा सकता है, ठीक है। रहने बसने खाने की जो आजादी है, ये सारी चीजें, कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश राज्य में जाने की जो छूट है, और उसमें लगता है कि भारत हमारा है, तो ये अनेकता में एकता को दिखाने का काम करता है। नेक्स्ट, विधि, विधि तथा प्रशासनिक ढांचा, विधि तथा प्रशासनिक ढांचा, विधि मतलब क्या है, कानून, ठीक है, कानून, और प्रशासनिक ढांचा जैसे AIS, ऑल इंडिया सर्विस हो गया, जिसमें IAS IPS जैसे लोग हैं, कि इनको कहीं भी पूरे भारत में सेवा के लिए भेजा जा सकता है। तो ये क्या है, विधि, एक कानून, ठीक है, बंधुआ मजदूरी उन्मूलन अधिनियम 1976, तो ये केवल भारत के किसी एक राज्य में लागू नहीं होता है, बल्कि सारे भारत में लागू होता है। तो ऐसे विधि जो बने हैं वो सबके लिए समान, तो विविधता में एकता, कोई किसी भाषा का है, कोई किसी क्षेत्र का है, लेकिन उसके लिए एक ही विधि काम करेगी, तो ये अनेकता में एकता को प्रदर्शित करती है। और ऐसे AIS, ऑल इंडिया सर्विस, जो प्रशासनिक ढांचे के रूप में दिखाई पड़ता है, किसी को कैडर तो अलॉट हो, लेकिन कहाँ का है और कहाँ उसको सर्विस करना है, ये डिसाइड
नहीं होता है। डिसाइड हो गया, जहां भेज दिया गया वहां जाएंगे, काम करेंगे, और कहीं पूरे ऑल इंडिया सर्विस में बाद में किसी के साथ उसको जोड़ा जा सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो विधि तथा प्रशासनिक ढांचा है, पहला मैंने बोला था संवैधानिक पहचान, दूसरा धार्मिक सह अस्तित्व, तीसरा अंतरराज्यीय संचरण, और चौथा विधि तथा प्रशासनिक ढांचा। नेक्स्ट, आर्थिक एकीकरण। आर्थिक एकीकरण, इकोनॉमिकल इंटीग्रिटी। जैसे ये क्या है आर्थिक एकीकरण, कि कहीं भी भारत के किसी राज्य में, किसी राज्य क्षेत्र में जा करके कमाने का, व्यापार करने का, वाणिज्य को बढ़ाने का अधिकार जो है ना, जैसे 301 है, आर्टिकल 301, कि भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र व्यापार करने की जो अनुमति है, वाणिज्य स्थापित करने की जो स्वतंत्रता है, ये कहीं ना कहीं दिखाता है कि भारत भले विभिन्न विविधताओं के साथ परिपूर्ण है, लेकिन इसमें ये तत्व एकीकरण का काम करता है, यूनिटी को बढ़ाने का काम करता है। जैसे जीएसटी, अब जीएसटी क्या है, पूरे देश में लागू है, एक ही कर, ऐसे एक देश एक कर एक बाजार। ठीक, एक देश एक कर एक बाजार। तो ऐसी व्यवस्थाओं का जो आर्थिक एकीकरण के रूप में, ऐसी व्यवस्थाएं जो आर्थिक एकीकरण के रूप में देखी जाती हैं, ये कहीं ना कहीं जो विविधता है उसमें एकता का काम करती है। ठीक है, ये सारी चीजें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, मेले तथा त्योहार। मेले तथा त्योहार, यानी जो विभिन्न मेलों का आयोजन होता है, ठीक, विभिन्न मेले तथा त्योहार जो होते हैं। मेले, देखिए मेले का जो अस्तित्व है वो बहुत कम होता चल, लेकिन अभी भी बहुत सारे मेले सुनाई पड़ते हैं, पशु मेला हो गया, या फिर बड़े बड़े स्थलों, जो देवी स्थल है वहां पे जो मेलों का आयोजन होता है वो मेला हो गया। तो ये मेले क्या करते हैं एकीकरण, जैसे अभी आप देखते हैं फरीदाबाद में एक मेला लगता है हरियाणा का, ठीक है, ऐसे कुंभ मेला लगता है, जो कुंभ मेला हो गया, तो इसमें पूरे भारत के लोग आते हैं शिरकत करने के लिए, पूरे भारत से लोग आते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो मेले हैं हरियाणा का, जैसे सूरज कुंड हो गया, और ठीक है, तो इसमें क्या होता है, एक थीम दी जाती है, कोई प्रदेश को नेतृत्व करने के लिए दिया जाता है, लेकिन सारे प्रदेश की भागीदारी उसमें सुनिश्चित की जाती है। उसमें साथ ही साथ इस मेले में, ऐसे मेलों में विदेशी जो क्षेत्र हैं उनका भी योगदान रहता है। तो ये सारे मेले या और ऐसे पर्व हो जाता है, पर्व त्योहार जो होते हैं, कि होली, दिवाली, दशहरा, ईद या फिर नया वर्ष, इन सारे अवसरों पर देखा जाता है कि लोगों में किस प्रकार की भावनाएं जागृत होती हैं, कैसे एक दूसरे के साथ भाईचारा, मेल मिलाप की भावनाएं जागृत होती हैं। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं अनेकता में एकता को दिखाने का काम करता है। नेक्स्ट, खेल तथा सिनेमा। खेल तथा सिनेमा, खेल, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच आ जाए, बस सारी राष्ट्रीयता जागृत हो जाती है ना। और चाहे किसी दिन राष्ट्रीयता जागृत हो या ना हो, लेकिन इंडिया वर्सेस पाकिस्तान का मैच होगा तो फिर सारी राष्ट्रीयता उस दिन दिखाई पड़ जाती है, और सारे लोग भारतीय हो जाते हैं। ठीक, तो ऐसे खेल, बहुत सारे खेल हैं जो खेले जाते हैं, और भारत में, भारत को जीतने के लिए लोग, मेले तथा त्योहार लिखा है, त्योहार। ठीक, तो ऐसे खेलों में लोग अपनी अपनी मनोकामनाएं व्यक्त करते हैं कि हमारा देश जीत जाए, हमारा देश, यानी उस दिन भारत, और ये भारत जो विविधताओं से भरा पड़ा है उसमें सब कुछ भूल करके लोगों को यही लगता है कि केवल हमारा एक ही राष्ट्र है और वही राष्ट्र विजयी हो। तो ऐसी जो सोच होती है लोगों की, ठीक है, वो खेल के माध्यम से देखी जा सकती है, जो विविधताओं को एकता में समेटने का काम करती है। और इसी प्रकार से सिनेमा, सिनेमा हो गया, तो सिनेमा विशेष रूप से हम कह सकते हैं हिंदी भाषी सिनेमा, तो कहीं भी व्यक्ति देख रहा है तो हिंदी भाषी सिनेमा यानी भारतीय
सिनेमा है ये, तो भारतीय सिनेमा के माध्यम से पूरे भारत का एकीकरण, कहीं का दृश्य, कहीं का दृश्य कोई देख रहा है, कहीं क्षेत्र है, कोई व्यवस्था है, कोई वहां की संस्कृति है, उसको पूरी तरीके से लोग देखते हैं, तो अपने ही देश की चीजों को देख करके उनको गर्व का अनुभूत होता है। तो कहीं ना कहीं ये सारी विविधताएं जो सिनेमा के माध्यम से दिखाई जाती हैं, ठीक है, वो विविधता में एकता को समेटने का काम करती है। नेक्स्ट, तीर्थ यात्रा। तीर्थ यात्रा तथा धार्मिक प्रथाओं से संबंधित स्थल। तीर्थ यात्रा तथा धार्मिक प्रथाओं से संबंधित स्थल। तीर्थ यात्रा, यात्राएं होती हैं तीर्थ करने के लिए। कोई व्यक्ति किसी प्रदेश का है, किसी स्थान का, क्षेत्र विशेष का है, तो तीर्थ करने के लिए जाएगा, और जब जाएगा तो उसको लगता है कि अगर हम यहां तक जा रहे हैं और कोई प्रतिबंध नहीं है, तो ये हमारा अधिकार है, ये हमारा क्षेत्र है, हमारा देश है, तो उसको उसमें विविधता के साथ साथ एकता नजर आती है। और धार्मिक प्रथाओं से संबंधित स्थल, कोई हिंदू है तो वो मुस्लिम के दरगाह पर जाएगा, कोई मुस्लिम है तो हिंदू के मंदिर में जाएगा, कोई सिख है तो मंदिर में आएगा, तो कोई गुरुद्वारे में जाएगा, कोई चर्च में जाएगा, तो ऐसे विभिन्न स्थलों पर एक दूसरे का आना जाना और वहां पे अपनी मान्यताओं को आधार प्रदान करना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं। हाँ, वेबिनार भी इसमें आएंगे, लेकिन वेबिनार कोई पुरानी अवधारणा नहीं है, आधुनिक अवधारणा जो आज चल रहा है वेबिनार, तो वेबिनार्स भी उनकी हम देख सकते हैं, बिल्कुल एक पार्ट हो सकता है वेबिनार जो चल रहा है आजकल, उसी का दौर चल रहा है, तो वेबिनार भी हो सकता है। इसके माध्यम से हम, कोई कहीं बैठा है, कोई कहीं बैठा है, उसके सबको एक जगह कलेक्ट कर लिए, तो वेबिनार भी हो सकता है। ठीक, धार्मिक प्रथाओं से संबंधित जो स्थल है उसको देख सकते हैं। वेब के माध्यम से सेमिनार करना वेबिनार होता है। ठीक, वेब के माध्यम से सेमिनार जो होते हैं उसको वेबिनार बोलते हैं। डिस्कशन, जैसे हम लोग बैठे हैं जो काम कर रहे हैं, ये वेबिनार ही है एक तरीके से, बट इसमें कन्वर्सेशन जो है वो वन वे है। वेबिनार में कन्वर्सेशन टू वे, थ्री वे, फोर वे, जितना भी है सबके साथ हो सकता है, कई सारे माध्यम। ठीक, लिखिए आगे। नेक्स्ट, जो अब तो ये तो विविधता में एकता के कारक रहे हैं, लेकिन इस एकता को जो चुनौती उत्पन्न, यानी भारत की जो यूनिटी है उसको चुनौती उत्पन्न भी करने वाले कुछ कारक हैं, तो वो कारक कौन से हैं इसको भी लिख लीजिए। भारत की एकता, भारत की एकता के समक्ष चुनौती उत्पन्न करने वाले कारक, भारत की एकता के समक्ष चुनौती उत्पन्न करने वाले कारक, अब देखिए भारत की एकता के समक्ष चुनौती उत्पन्न करना, कुछ तो कारक होंगे कि इतनी जो यूनिटी है भारत की उसके समक्ष जो चुनौती, यानी विविधता में इसको बांटने का जो काम करता है, वो कुछ तो फैक्टर हैं, वो कौन कौन से हैं, लिखिए पहला एक एक करके। क्षेत्रवाद, क्षेत्रवाद, ठीक है, क्षेत्रवाद क्या है आपके सिलेबस में है, इसको डिटेल्स में करेंगे, अभी इस पे हम कोई डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट लिखिए, विभाजनकारी राजनीति, विभाजनकारी राजनीति। विभाजनकारी राजनीति का मतलब क्या है, बांटने की जो राजनीति है, ठीक है, क्षेत्र में बांटना, जाति में बांटना, धर्म में बांटना, गरीब अमीर में बांटना, ठीक है, ये सारी चीजें जो हैं, ये जो विभाजनकारी राजनीति है, ये भारत की यूनिटी जो है उसको चुनौती देने का काम करती है, एकता के समक्ष खतरा उत्पन्न करने का काम करती है। जात के रूप में, धर्म के रूप में, भाषा के रूप में, संस्कृति के रूप में, या किसी अन्य रूप में जो चुनावी मुद्दे होते हैं उसको लेकर के जो काम किया जाता है, तो इससे देश की एकता के समक्ष चुनौती उत्पन्न होती है। नेक्स्ट, असंतुलित विकास, असंतुलित विकास,
असंतुलित विकास का मतलब क्या है? कहीं पे ज्यादा विकास हो जाए और कहीं पे कम विकास हो जाए। जो जहां का हो वो अपने यहाँ, विशेष रूप से राजनैतिक जो क्षेत्र होते हैं उसमें देखा जाता है कि जो जहां का है वो अपने क्षेत्र में ज्यादा विकास कर देगा और दूसरे क्षेत्र में नहीं। यानी कि कहीं ना कहीं किसी भी पूर्वाग्रह से पीड़ित व्यक्ति अगर उसको एक ऐसा पद प्राप्त हो जाए कि जहां से वो अपने विशेष क्षेत्र या लोगों को लाभ देने के लिए अधिकारी हो जाए, तो ऐसे समय असंतुलित विकास की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, है ना। यानी किसी ऐसे पूर्वाग्रह से प्रेरित, पूर्वाग्रह मतलब वो जाति विशेष से हो सकता है, क्षेत्र विशेष से हो सकता है, तो असंतुलित विकास उसमें होने की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। धर्म विशेष से हो सकता है, तो ये सारी चीजें क्या है, असंतुलित विकास। किसी क्षेत्र का विकास बहुत ज्यादा हो जाए, जैसे उत्तर प्रदेश की बात करें तो कई गांव हैं और उसमें एक गांव सैफई भी है, ठीक, एक गांव सैफई भी है और एक गांव ऐसा है कि जहां आज तक बिजली पानी भी नहीं है, तो ये क्या होता, असंतुलित विकास। नेक्स्ट लिखिए, निर्जातीय भेदभाव। निर्जातीय भेदभाव, निर्जातीय भेदभाव क्या होता है? निर्जाति मैंने बताया था, भौगोलिक तथा सांस्कृतिक विस्तार पर अलगाव जो होता है वो निर्जातीयता होती है। किसी की संस्कृति, बोली, भाषा को अगर एक्सेप्ट ना किया जाए, उससे भेदभाव किया जाए, ठीक है, तो क्या होता है, निर्जातीय भेदभाव। जैसे कोई मान लीजिए भाषाई रूप में भोजपुरी बोल रहा है और कोई गुजराती बोल रहा है, तो गुजराती क्या करे, भोजपुरी वाले को एक्सेप्ट ना करे और भोजपुरी बोलने वाला गुजराती बोलने वाले को एक्सेप्ट ना करे, भेदभाव करे कि तुम तो भैया अलग हो, चलो उधर जाओ बैठो, हमारे बीच के नहीं हो। तो ऐसी स्थिति में ठीक, ऐसी स्थिति में इसको बोलेंगे निर्जातीय भेदभाव। या कोई कपड़ा पहना है, कोई धोती कुर्ता पहना है, कोई कोट पैंट पहना है, तो उसका कल्चर क्या है, कोट पैंट। निर्जातीयता उसकी क्या है, संस्कृति कोट पैंट की। और कोई धोती कुर्ता पहना है तो धोती कुर्ता वाला तो देखेगा तो कहेगा कि तुम किनारे बैठ जाओ, है ना, या वो कहेगा ये कोट पैंट पहने तो इसको हम अपने बीच में नहीं बिठाएंगे। तो ऐसी जो भेदभाव की स्थिति होती है वो भारत की एकता के समक्ष एक चुनौती उत्पन्न करती है। नेक्स्ट, भौगोलिक अलगाव। भौगोलिक अलगाव, भौगोलिक अलगाव जो होता है, विशेष रूप से राज्यों का जो विभाजन है भौगोलिक आधार पर, है ना, विभिन्न राज्य भारत में हैं, और उसके अलावा क्षेत्र विशेष, ठीक है, एक क्षेत्र विशेष का भौगोलिक अलगाव, तो उसको लेकर के जो भेदभाव उत्पन्न होते हैं वो भौगोलिक अलगाव कहलाता है, और इससे जो देश की एकता है उसके समक्ष चुनौती उत्पन्न होने का संकट दिखाई पड़ता है। लिखिए नेक्स्ट, अंतर धार्मिक संघर्ष। अंतर धार्मिक संघर्ष तथा अंतर जातीय संघर्ष, तथा अंतर जातीय संघर्ष, धर्म और जात के बीच जो संघर्ष है, ठीक, एक धर्म का दूसरे धर्म के विरुद्ध जो मानसिकता है, जो एक पूर्वाग्रह है, ठीक, एक विचार है, एक व्यवहार है, उससे जो संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है, ऐसे जातिगत रूप में भी दिखाई पड़ती है संघर्ष की स्थितियां। ये सारी जो स्थितियां हैं ये कहीं ना कहीं राज्य के समक्ष चुनौती उत्पन्न करती हैं, उसके एकता के समक्ष चुनौती उत्पन्न करती है। नेक्स्ट लिखिए, अंतरराज्यीय संघर्ष। एक राज्य का दूसरे राज्य के साथ जो संघर्ष की स्थिति होती, तनावपूर्ण स्थिति, जैसे महाराष्ट्र बनाम हिंदी भाषी, ठीक है, तो वो राज्य का, कहीं ना कहीं गुजरात बनाम हिंदी भाषी, या फिर अब तमिल बनाम मराठी, मराठा बनाम हिंदी भाषी, तथा
तमिल बनाम हिंदी भाषी, ऐसे बहुत सारे राज्य हैं जो राज्य के अंतर्गत दूसरे राज्य को पसंद नहीं करते हैं, दूसरे राज्य के लोगों को पसंद नहीं करते हैं, तो वहां से भी भारत की एकता के समक्ष चुनौती उत्पन्न होती है। ठीक, नेक्स्ट। बाह्य कारकों का प्रभाव, बाह्य कारकों का प्रभाव, बाह्य मतलब बाहरी, बाह्य कारकों का प्रभाव, बाहरी कारक जो होते हैं, फैक्टर्स होते हैं, जैसे ISI, ठीक है, एक ऐसे ऐसा संगठन जो भारतीय एकता के समक्ष चुनौती उत्पन्न करेगा, ठीक है, ऐसे अलगाववादी संगठन जैसे NSCN हो गया, ठीक है, ऐसे विदेशी संगठन, जो बहुत सारे ऐसी कंट्रीज हैं जो संगठन के माध्यम से भारतीय यूनिटी को खत्म करने का प्रयास करती रहती हैं, चरमपंथी समूह हो जाते हैं बहुत सारे जो भारतीय एकता को खत्म करने का प्रयास करती हैं, इसमें बंटवारा करके और लोगों को लड़ाने का काम करती हैं, तो ये सारे संगठन जो बाह्य कारक के रूप में दिखाई पड़ते हैं, इनसे भी देश की यूनिटी के समक्ष खतरा उत्पन्न होता है। ठीक, ये है आपका, कुछ पॉइंट थे, आठ सात आठ पॉइंट हैं, इसको थोड़ा आप देख लेंगे और डिटेल्स में लिखने की का भी प्रयास करिएगा। ये था भारत में विविधता, यानी दो टॉपिक आपके समाप्त होते हैं, पहला भारतीय समाज की विशिष्ट विशेषता और दूसरा भारत की विविधता। नेक्स्ट टॉपिक जो है वह है महिला एवं महिला संगठन की भूमिका। क्वेश्चन इस पे देखिए कैसे पूछता है विविधता पर। जैसे क्वेश्चन पूछा है विविधता में कि भारत की किन्हीं चार सांस्कृतिक विविधताओं का वर्णन कीजिए, भारत की किन्हीं चार सांस्कृतिक विविधताओं का वर्णन कीजिए, तो लोग क्या करते हैं इसमें, देखिए साफ साफ पूछ रहा है भारत की किन्हीं चार सांस्कृतिक विविधताओं का, तो लोग क्या करते हैं, भौगोलिक विविधता लिखना शुरू कर देंगे, ठीक है, प्रजातीय विविधता शुरू कर देंगे, राजनैतिक विविधता भी उसमें बताएंगे ना। मैंने इसलिए अलग से लिखा है सांस्कृतिक विविधता, और उसमें लिखाया है भाषाई, ठीक, धार्मिक, और इसके साथ साथ अन्य, और अन्य में मैंने कई सारी नृत्य संगीत कला चित्रकला स्थापत्य कला वास्तुकला जो भी है, वेशभूषा खान पान रहन सहन सब कुछ है, तो इन्हीं में से चार निकालना है आपको। ठीक, क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि किन्हीं चार सांस्कृतिक विविधताओं का वर्णन कीजिए, या कुछ क्वेश्चन इस तरीके से पूछा है, मैंने एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया था कि भारत की विविधता के संदर्भ में जो राज्य की अपेक्षा प्रदेश कैसे, ठीक है, प्रदेश किस प्रकार से स्वरूप प्रदान करते हैं, तो ये क्वेश्चन रहा है, और इसके साथ साथ दूसरा जो मैंने बताया कि विविधता के किन्हीं चार सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन कीजिए, और एक राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में उनके अपेक्षिक महत्व का मूल्य निर्धारण कीजिए। ठीक है, यानी ये क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि इसमें चार सांस्कृतिक तत्वों का वर्णन पहले कीजिए, कौन कौन से चार सांस्कृतिक तत्व हैं, और उसके बाद जो सेकंड पोर्शन इस क्वेश्चन का है उसमें पूछ रहा है कि एक राष्ट्रीय पहचान के निर्माण में उनके अपेक्षिक महत्व का मूल्य निर्धारित कीजिए, तो राष्ट्रीय पहचान किस प्रकार से, सांस्कृतिक विशेषताएं कैसे एक राष्ट्रीय पहचान को सुनिश्चित करती हैं, ठीक है, अपेक्षिक महत्व को बताना है इसके। तो अब मान लीजिए कोई दक्षिण का, जैसे सांस्कृतिक में अगर आपने देखा तो आजकल क्या है कि दक्षिण का कोई फूड है, कोई व्यंजन है, तो लोग क्या करते हैं उत्तर भारत में भी खाते हैं, तो है तो चार सांस्कृतिक भी अलग विशेषता है, लेकिन वो फूड अगर उत्तर भारत में भी खाया जा रहा है, या फिर मान लीजिए गरबा है तो गरबा गुजरात के साथ साथ दक्षिण में भी, या फिर पश्चिम बंगाल का कल्चर अगर उत्तर प्रदेश के साथ साथ महाराष्ट्र में भी मनाया जा रहा है, तो
जैसे छठ पूजा है, अभी छठ पूजा आने वाला है, बिहार का एक प्रसिद्ध त्योहार होता है। तो छठ पूजा क्या है, आगे आप देखेंगे कि न केवल भारत में बल्कि विदेशों में भी मनाया जा रहा है। तो यही सब क्या है कि कहीं ना कहीं सांस्कृतिक जो एक विशेषता है भारतीय समाज में, और उसको एक राष्ट्रीय रूप प्रदान करने में किस प्रकार मूल्यों का निर्धारण होता है। तो यही है कि अब छठ पूजा लगभग भारत में कई जगह मनाया, यानी एक उत्तर भारत की परंपरा उसको दक्षिण भारत तक, महाराष्ट्र तक ले गए हैं। और इवन जहां जहां लोग हैं दक्षिण भारत में, तो वहां का भी व्यक्ति उसको मनाने का काम करता है। तो ये कहीं ना कहीं दिखाने का काम करता है हमारे देश में कितनी सांस्कृतिक विविधता है, और वो सारी विविधताएं किस प्रकार मिलकर के एक प्रदेश यानी एक राष्ट्र को निर्मित करने का काम करती है। तो इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछता है आप लोग, जो मैंने बोला था कि क्वेश्चन जो लास्ट ईयर पूछे गए हैं, ठीक है, उसका एक अनसॉल्व ले लीजिए या डाउनलोड कर लीजिए, मिल जाएगा आपको, वो आसानी रहेगी आप, ठीक है। जो क्वेश्चन है उसको देखते रहिए टॉपिक वाइज की कैसे कैसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। नेक्स्ट है महिला, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। कुछ जस्टिस में महिला आप लोगों ने पढ़ा होगा, ठीक, महिला का पार्ट जस्टिस में भी है, महिला का पार्ट सोसाइटी में भी है, ठीक। हाँ, जैसे गणेश चतुर्थी भी है, महाराष्ट्र से शुरू हुआ था और आज पूरे देश में मनाया जाता है, ठीक। अब हम लोग बात आ जाइए, वहां से आगे निकलिए थोड़ा सा, आ जाइए अब नेक्स्ट टॉपिक पर, महिला तथा महिला संगठन की भूमिका, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, मान के चलिए सोसाइटी में हर साल प्रत्येक वर्ष एक क्वेश्चन महिला से पूछता ही पूछता है, ठीक है, महिला से एक क्वेश्चन पूछना ही पूछना है। आप अभी तक का पेपर उठा करके देख लीजिए, हर वर्ष महिला से संबंधित एक क्वेश्चन जरूर पूछा गया है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका कुछ पार्ट आपने जस्टिस में पढ़ा है, जैसे महिलाओं से संबंधित नीतियां, कानून, संवैधानिक जो स्थिति है महिलाओं की, वो सारी चीजें वहां से आपको कवर कर लेना है, ठीक है। मैं बताता रहूंगा कि इसको यहाँ से पार्ट जो आप जस्टिस में पढ़े हैं उसको वहां से देख लेना है, बाकी चीजों को हम यहाँ देखेंगे। तो महिला, यहाँ महिला से संबंधित पहले हम लोग देखते हैं कि महिलाओं की परिस्थिति क्या है, फिर महिला आंदोलन क्या है, और महिला आंदोलन के साथ साथ महिला संगठनों का निर्माण किस प्रकार से होता है, ठीक है, और वर्तमान स्थिति क्या है। तो हम लोग इस पे डिस्कस करेंगे एक एक करके, एक एक टॉपिक पे, और बाकी जो चीजें आप इनसे संबंधित नियम कानून और योजना परियोजना जो भी बनाई गई हैं, वो सारी चीजें लगभग आपने जस्टिस में देखा है। तो कहीं अलग से सोसाइटी में कोई नई योजना या फिर नया कानून नहीं होगा, ठीक है, सारे वही कानून है, चाहे वो संवैधानिक हो, ठीक। तो महिला संबंधित जो संविधान में कानून है वो जस्टिस में भी काम करता है, वही इंडियन सोसाइटी में भी काम करता है। महिला से संबंधित जो विधि है, जो कानून बनाए गए हैं, वो जस्टिस में भी काम करेगा, वही कानून, और वही कानून इंडियन सोसाइटी में भी काम करता है, और ऐसे ही योजनाएं जो हैं वो। तो इन सारी चीजों को हम वहां से देख लेंगे, बाकी चीजों को देखते हैं। पहले हम लोग देखते हैं महिला की परिस्थिति क्या रही है, यानी प्राचीन अवस्था से लेकर के और अब तक महिलाओं की परिस्थिति, परिस्थिति मतलब स्टेटस, स्टेटस एक परिस्थिति होती है, सिचुएशन, और दूसरा होता है परिस्थिति, परिस्थित मतलब होता है स्टेटस। तो स्टेटस आजकल सबको चाहिए, पहले भी चाहिए था, और महिला को तो स्टेटस में लाने के लिए एकदम होड़ लगी है, गवर्नमेंट तो बहुत ज्यादा ही सक्रिय है इस समय, ठीक है। सबसे ज्यादा अगर किसी पे ध्यान दिया जा रहा है तो महिलाओं के उत्थान को लेकर के, इस गवर्नमेंट के द्वारा सबसे ज्यादा जो कार्य किए जा रहे हैं वो महिलाओं के उत्थान को लेकर के बहुत ज्यादा किया जा रहा है, क्योंकि इसका परिणाम भी देखने को मिला है अब तक देश में जो स्थितियां रही हैं, है ना, विकास को लेकर के उसको देखने को मिला भी है। हेडिंग डाल लीजिए, महिला और महिला में हेडिंग डाल लीजिए परिस्थिति,
स्टेटस, ठीक। थोड़ा ध्यान से आप लोग देखिएगा, सुनिएगा, देखिए भले ही ना, सुनिए जरूर, ठीक। हाँ, अपनी अपनी भावनाओं को अपने अंदर रखिएगा, ठीक है। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना मेरा मकसद नहीं है, ना ही किसी की भावनाओं को आगे करना मेरा मकसद है। मेरा मकसद ये है कि जो समाज में स्थिति परिस्थिति महिलाओं और पुरुषों की रही है वो क्या रही है, उसको आप लोग ध्यान से सुनिए, समझने का प्रयास करिए और उसी को लिखने का भी प्रयास करिए। स्टेटस की मार, स्टेटस का मांग, आखिर क्यों, ठीक। इसको जब महिला की बात करते हैं और स्टेटस उनकी, तो ना केवल भारतीय समाज में, जब उसको वैश्विक स्तर पर अगर देखा जाए तो वैश्विक स्तर पर एक लेखिका है, एक समाजशास्त्री है, एक महिला विचारक है, ठीक है। और शायद इनके बिना जब भी हम कभी महिला की चर्चा करें, ठीक, अगर महिलाओं की स्थिति परिस्थिति की चर्चा करें, तो शायद इनके बिना चर्चा अधूरी ही मानी जाएगी। वो फ्रांसीसी लेखिका है, सिमोन डे ब्यूवायर, सिमोन डे ब्यूवायर, ठीक। फ्रांसीसी, अभी लिखाऊंगा, अभी ध्यान से आप केवल सुन लीजिए, मैं सब लिखाऊंगा, घबराने की जरूरत नहीं है। सिमोन डे ब्यूवायर, सिमोन डे ब्यूवायर जो है ये फ्रांसीसी लेखिका है, और इन्होंने महिला के विषय पर बहुत ही गहरे तरीके से अध्ययन किया। वैश्विक स्तर पर इन्होंने कई देशों में जाकर के महिलाओं की स्थिति को जानने का प्रयास किया, उनकी परिस्थिति को समझने का प्रयत्न किया, और इस क्रम में उनको पूरे विश्व में जहां भी इन्होंने अध्ययन किया, लगभग ये प्राप्त हुआ कि हर समाज पुरुष प्रधान ही है। हर समाज क्या है, पुरुष प्रधानता से भरा हुआ है, और हर समाज में महिलाओं की जो स्थिति है वो क्या है, द्वितीयक है, सेकेंडरी है। तब इन्होंने अपनी जो पुस्तक लिखी, उस पुस्तक में, ठीक है, 1949 में इन्होंने अपनी पुस्तक, ठीक, लिखी, और उस पुस्तक का नाम ही रखा द सेकेंड सेक्स, ठीक है, द सेकेंड सेक्स। इन्होंने अपनी पुस्तक का नाम रखा द सेकेंड सेक्स। देखिए, सेकेंड सेक्स यानी इन्होंने किसको संबोधित किया, उन सारी महिलाओं को। ये सेकेंड सेक्स हैं कौन, वो सारी महिलाएं, सारी वो महिलाएं वैश्विक स्तर पर जिन्हें अपने समाज में द्वितीयक दर्जा प्राप्त है, सेकेंडरी दर्जा प्राप्त है। प्रथम पे कौन है, पुरुष। मैंने नहीं कहा सभी समाज, मैंने कहा लगभग सभी समाजों में, एक आध छोड़ दिया जाए, ठीक है, जो जहां नहीं रही होगी, लेकिन लगभग सारे समाजों में महिलाओं को द्वितीय दर्जा प्राप्त था। इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी, वो पुस्तक 1949 में प्रकाशित हुई, और पुस्तक का नाम द सेकेंड सेक्स था, जिसमें सेकेंड सेक्स कौन था, महिला, और प्रथम पुरुष, ठीक। इन्होंने पाया कि प्रत्येक समाज में महिलाओं की स्थिति सेकेंडरी है, जिसके पीछे कारण पुरुष प्रधान समाज का होना है, और पुरुषों को प्राथमिक दर्जा प्राप्त है, यानी अयोग्य भी हैं तब भी योग्य हैं, और महिलाएं योग्य हैं तब भी क्या हैं, अयोग्य हैं। समाज के सारे विशेषाधिकार पुरुषों के पास थे, और वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के पास योग्यता होते हुए भी अयोग्यता का विशेषाधिकार था, ठीक, प्रताड़ना। इतना धैर्य नहीं बना के रख पाएंगे आप, मैं बोल रहा हूं, मैं सब लिखाऊंगा अभी, फिर भी रिपीट करा दीजिए, नाम क्या नाम लिख, मैं बोल रहा हूं अभी लिखूंगा, सब कुछ बताऊंगा आपको, ठीक है। और यहां पुरुष प्रधानता होने की वजह से महिलाओं को जब सेकेंडरी दर्जा प्राप्त था, तो कहीं ना कहीं घरेलू कार्य के लिए, संतान उत्पन्न के लिए, यही सारी चीजें, घर की देखभाल के लिए, यही सारी चीजों में बंध के रहना पड़ता महिलाओं को। यह तो पूरे विश्व की बात है, और विश्व में भारत भी है,
पर जब भारत की हम लोग चर्चा करें, भारत में देखें, तो कमोबेश यही स्थिति भारत में भी रही, कमोबेश यही स्थिति भारत में रही। लेकिन युग के साथ परिवर्तन अवश्य देखा जाता है। कुछ ऐसे एरा रहे हैं भारतीय समाज में कि जिसमें महिलाओं की स्थिति काफी अच्छी थी, कहा जा सकता है कि पुरुषों के समतुल्य समकक्ष महिलाओं की स्थितियां थी। लेकिन कुछ ऐसे कारण उत्पन्न हुए, परिस्थितियां उत्पन्न हुई कि महिलाएं धीरे धीरे, ऐसा क्या कारण था कि महिलाएं धीरे धीरे प्रताड़ित होती गईं, उनको सेकेंडरी स्थान दिया गया। तो बहुत सारी चीजें ऐसे हैं, उसको हम एक एक करके देखते हैं, काल वाइज कैसे क्या रहा है, स्थितियां परिस्थितियां। ठीक है, चलिए लिखिए, नाम भी लिख लीजिए, सब कुछ लिख लीजिए, धैर्य का बांध नहीं तो टूट जाएगा आपके। लिखिए, सिमोन, सिमोन डे व्यू वायर, सिमोन डे व्यू वायर जो एक फ्रांसीसी, जो एक फ्रांसीसी लेखिका, विचारक, क्रिटिसाइजर भी हैं, आलोचना करने वाली, ठीक है, आलोचक। जो एक महिला लेखिका, सॉरी, फ्रांसीसी लेखिका, विचारक, आलोचक ने अपनी पुस्तक, अपनी पुस्तक द सेकेंड सेक्स, अपनी पुस्तक द सेकेंड सेक्स में महिलाओं को, सेकेंड सेक्स महिलाओं को, सेकेंड सेक्स या निकृष्ट ने अपनी पुस्तक द सेकेंड सेक्स में महिलाओं को, सेकेंड सेक्स महिलाओं को, सेकेंड सेक्स या निकृष्ट जेंडर, निकृष्ट जेंडर, निकृष्ट मतलब जो किसी काम का ना हो, निकृष्ट जेंडर कहा, जिसका कारण लगभग पूरे विश्व में, जिसका कारण लगभग पूरे विश्व में पितृसत्तात्मक व्यवस्था का होना, जिसका कारण लगभग पूरे विश्व में पितृसत्तात्मक व्यवस्था का होना रहा है। ठीक, इन्होंने जब सब कुछ देखा कि महिला सेकेंडरी है, उनके साथ ऐसी ऐसी चीजें जुड़ी हुई हैं, तो उन्होंने महिलाओं को सेकेंड सेक्स या निकृष्ट जेंडर के नाम से संबोधित किया, और उसके पीछे कारण बताया कि लगभग पूरे विश्व में पितृसत्तात्मक व्यवस्था ही इसका कारण रहा है। लिखिए, पैराग्राफ चेंज करके, जहां महिलाएं संतानोत्पत्ति, घर की देखभाल जैसे कार्यों तक सीमित रखी गई, जहां महिलाएं संतानोत्पत्ति, घर की देखभाल जैसे कार्यों तक सीमित रखी गई, और इसके कारण
वंचना, प्रताड़ना, वंचना, प्रताड़ना, अपमान जैसे, अपमान जैसे बहुआयामी निरोगताओं का, बहुआयामी मल्टी डायमेंशनल इनकैपेबिलिटीज, निरोगताएं, मल्टी डायमेंशनल इनकैपेबिलिटीज यानी बहुआयामी निरोगताओं का शिकार भी होती रही। ये तो पूरे वैश्विक जगत की बात है जहां महिलाओं की स्थिति थी। अब भारत की अगर चर्चा करें तो लिखिए, परंतु भारत में यदि महिलाओं की प्रस्थिति तथा भूमिकाओं पर, परंतु भारत में यदि महिलाओं की प्रस्थिति तथा भूमिकाओं पर ध्यान दे तो इनमें काफी उतार चढ़ाव दिखाई पड़ते हैं। इनमें काफी उतार चढ़ाव दिखाई पड़ते हैं। भारत की लगभग आधी आबादी महिला है, लगभग आधी आबादी महिला है। ऐतिहासिक रूप से भारत में महिलाओं की प्रस्थिति का अध्ययन किया जाए तो वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में, वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से अच्छी थी। वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति तुलनात्मक रूप से अच्छी थी। सामाजिक एवं धार्मिक क्षेत्रों में इन्हें लगभग पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। पुरुषों के समान अधिकार प्राप्त थे। अब देखिए, दो क्षेत्र की बात कर रहे हैं, सामाजिक तथा आर्थिक क्षेत्रों में। अगर इनकी स्थिति को देखा जाए किसमें, वैदिक तथा उत्तर वैदिक काल में, तो पुरुषों के समान स्थिति प्राप्त थी। पुरुष के समान ही इनका विचार व्यवहार सब कुछ था, यानी कहीं से भी ये कमजोर नहीं थी। लिखिए, तथा आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्र में, तथा आर्थिक व राजनीतिक क्षेत्रों में उनके अधिकारों का परिसीमन, उनके अधिकारों का परिसीमन
दृष्टिगत होता है। अधिकारों का परिसीमन दृष्टिगत होता है, यानी सामाजिक सॉरी धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में पुरुषों के समान कोई भी ऐसा आधार नहीं था कि जिसमें दिखाई पड़े कि महिलाएं पुरुषों के अधीन हैं किस क्षेत्र में, धार्मिक और आर्थिक क्षेत्र में। लेकिन वहीं दूसरी तरफ आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्र में अगर कहा जाए, ठीक है, परिसीमन का मतलब होता है किसी भी चीज का एक दायरा निश्चित कर दिया जाए, ठीक है, उसका एक दायरा अगर निश्चित कर दिया जाए ठीक। हाँ, किसी को जैसे परिसीमन क्या है, हम किसी चीज की बाउंड्री, एक सीमा, परिसीमा, जैसे कोई व्यक्ति है, ये कोई व्यक्ति है और इसके बगल एक सीमा निर्धारित कर दिया जाए, एक बाउंड्रीज बना दिया जाए, तो उसको कहते हैं परिसीमन। उससे ज्यादा वो बाहर नहीं जा सकता, ठीक है, उसका अधिकार क्षेत्र उतना ही होगा, तो उसको परिसीमन बोलते हैं। तो वैदिक और उत्तर वैदिक काल में सामाजिक और धार्मिक क्षेत्र में महिलाओं को पूर्णतया अधिकार था, जिस प्रकार पुरुषों को प्राप्त था, वहीं अगर देखा जाए तो आर्थिक और राजनीतिक क्षेत्रों में कहीं ना कहीं इनके अधिकारों का परिसीमन इस युग में भी दृष्टिगत होता है, लेकिन वो भी बहुत ज्यादा नहीं। कुछ अधिकार ऐसे थे कि जहां राजनीतिक रूप में या आर्थिक रूप में दिखाई पड़ते हैं कि उसमें रोक टोक थी, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं थी। तो उत्तर और वैदिक काल में ये माना जाता है कि महिलाएं जो थी वो स्वतंत्र थी, यज्ञों में भागीदारी, सामाजिक कार्यों में भागीदारी, पुरुषों के समान बगल में बैठ करके सब कुछ क्या था, पूरी तरीके से स्वतंत्र रूप से करती थी। लिखिए आगे पैराग्राफ चेंज करके, पौराणिक काल में थोड़ा ध्यान से आप लोग सुनिए, बार बार रिपीट करने के लिए बोलते हैं, कहां से उतना बहुत ज्यादा पीछे से छूट जाता है, मुझे याद नहीं रहता कि किस कौन सा सेंटेंस में लिखवाया हूं किस तरीके से, ठीक है, सेंटेंस बना के लिखवाता हूँ, देख करके नहीं कहीं कि लिखा है उसको मैं छपवा दे रहा हूं आपको, ठीक है, लिखिए आगे। पौराणिक काल में महिलाओं की स्थिति में पौराणिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, विधवा विवाह निषेध, सती प्रथा आदि प्रारंभ हो गया। किंतु आदि प्रारंभ हो गया किंतु बौद्ध काल में किंतु बौद्ध काल में महिलाओं की स्थिति में किंतु बौद्ध काल में महिलाओं की स्थिति में कुछ सुधार दिखाई पड़ता है। पुनः इन्हें सामाजिक और धार्मिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट उत्कृष्ट यानी उच्च उत्कृष्ट स्थान प्राप्त होता है। किंतु किंतु आर्थिक व राजनैतिक जीवन में किंतु आर्थिक व राजनैतिक जीवन में इस युग में भी
कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। इस युग में भी कोई परिवर्तन नहीं दिखाई पड़ता। यानी बौद्ध काल में जो महिलाओं को अच्छा जीवन प्राप्त होता है वो केवल सामाजिक और धार्मिक जीवन में प्राप्त होता है, लेकिन इस युग में राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्र में भी कोई बदलाव नहीं दिखाई पड़ता है। ठीक, आर्थिक और राजनैतिक जीवन इनकी दयनीय बनी रहती है। नेक्स्ट लिखिए आगे, पैराग्राफ चेंज करके। मध्य काल में महिलाओं की स्थिति पुनः मध्य काल में महिलाओं की स्थिति पुनः अति निम्न हो गई, अति निम्न हो गई। मध्य काल में क्या होता है, देखिए, सबसे दयनीय स्थिति जो महिलाओं की होती है वो मध्य काल में होती है। ठीक है, सबसे बुरी स्थिति, जहां अधिकार देने की तो बात छोड़िए, अधिकार जो प्राप्त है वो भी छीन लिया जाता है ना, पूरी तरीके से लगभग सारे अधिकारों से वंचित कर दिया जाता है। लिखिए, इसमें पर्दा प्रथा कठोर हो गई, पर्दा प्रथा कठोर हो गई, शिक्षण सुविधा पूरी तरह समाप्त हो गई, शिक्षण सुविधा पूरी तरह समाप्त हो गई, बाल विवाह, सती प्रथा आदि कुरीतियों का प्रचलन अत्यधिक बढ़ गया। सती प्रथा बाल विवाह आदि कुरीतियों का प्रचलन अत्यधिक बढ़ गया। अब देखिए, ऐसी स्थिति में क्या है मध्य काल में, कि जो चीजें अधिकार थे वो तो छीन ही लिए, मतलब वो उसमें कोई अधिकार देने की बात नहीं की गई, लेकिन जो था वो भी छीन लिया गया। शिक्षा जो था पहले प्राप्त भी हो जाता था उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया। पर्दा प्रथा इतना कठोर कर दिया गया कि पर्दे में से बाहर अगर है तो फिर दिक्कत है। ठीक है, बाल विवाह का प्रचलन बढ़ गया, ये सारी चीजें, सती प्रथा, ये सब कुछ हद से ज्यादा बढ़ गया। यानी मध्य काल में देखें तो सबसे निम्न स्थिति महिलाओं की पाई जाती है। ठीक, आगे लिखिए पैराग्राफ चेंज करके। परंतु ब्रिटिश काल में देखिए, शासन व्यवस्था जो होती है, एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ था, विनीता कोई पूछ रही कि ऐसा क्यों हुआ था मध्य काल में। देखिए, शासन व्यवस्था जो होती है, समाज जो होता है उसका स्वरूप जैसे होगा, मध्यकालीन भारत में देखा जाए तो कहीं ना कहीं रूढ़िवादिता बढ़ी थी, और रूढ़िवादिता में जो पुरुष प्रधानता थी वो भी बढ़ी थी, जो सोच थी उसकी रिजिडिटी ऑर्थोडॉक्स की तरफ ज्यादा दिखाई पड़ता है, इसलिए महिलाओं की स्थिति कमजोर हो गई थी। युद्ध में जीतने की स्थिति जो थी, जीतना, अपना उसको अपने नौकर बनाना, अपने दासी बनाना, ये ऐसी बहुत सारी चीजें उसमें थी, और पुरुष पुरुष का वर्चस्व उस समय तक बढ़ चुका था। ठीक है, तो इस वजह से कहा जा सकता है कि उसमें स्थिति निम्न थी। लिखिए, परंतु ब्रिटिश काल में औद्योगिकरण, आधुनिकीकरण, शिक्षा के विस्तार, सुधार आंदोलनों, महिला आंदोलन और सामाजिक विधानों ने
और सामाजिक विधानों ने संयुक्त रूप से महिलाओं की स्थिति में सुधार किया, संयुक्त रूप से महिलाओं की स्थिति में सुधार किया। परिणाम स्वरूप लिंग असमानता में कमी आई। ठीक। अब देखिए, ब्रिटिश शासन में बहुत सारे ऐसे काम किए गए, सुधार कार्य जो थे, जैसे औद्योगिकरण हुआ, आधुनिकीकरण, भी इन सब की चर्चा हम लोग करेंगे महिला आंदोलन में। तो आधुनिकीकरण, औद्योगिकरण, इन सारी चीजों पर जो विकास होता है देश का, देश में जो ब्रिटिश शासन में विकास करते हैं, तो उसमें लिंग असमानता में कमी, यानी अधिकार सुधार आंदोलन, बहुत सारी विधि कानून बनाए जाते हैं, तो महिला स्थिति में कहीं ना कहीं सुधार होता है और लिंग असमानता की स्थिति कमजोर होती है, समानता की तरफ समाज बढ़ता है। यानी शुरुआत, जो आधुनिक शुरुआत है, वो ब्रिटिश शासन के अंतर्गत देखा जा सकता है। लिखिए आगे, आजादी के बाद महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु संवैधानिक प्रावधानों ठीक है, बहुत सारे संवैधानिक प्रावधान सुनिश्चित किए गए। वो संवैधानिक प्रावधान जैसे आर्टिकल 14 हो गया, 15, 3 हो गया, 21 हो गया, है ना, 39 हो गया, 42, ये सारे जो आर्टिकल संवैधानिक, तो संवैधानिक प्रावधान ऐसे सुनिश्चित किए गए और साथ ही साथ कुछ विधियों को भी अंजाम दिया गया। लिखिए, संवैधानिक प्रावधानों वैधानिक प्रयासों विकास कार्यक्रमों आदि के माध्यम से महिला उत्थान की दिशा में प्रयास सुनिश्चित किया गया। साथ ही साथ इस युग तक महिला चेतना के कारण विभिन्न महिला संगठनों के माध्यम से महिला आंदोलनों को भी मजबूती प्रदान हुई। जिससे महिला स्थिति में सुधार हुआ। ठीक। अब यानी बहुत सारे संवैधानिक वैधानिक बहुत से विकास कार्यक्रम योजना का निर्माण किया गया और महिलाओं की स्थिति को सुधारा गया। ठीक। अब ये होने के बावजूद जब देखा गया कि ये सारी चीजें तो थी, इसके साथ साथ महिला संगठन बने बहुत सारे और महिला संगठनों के माध्यम से महिला आंदोलन का स्वरूप देखा गया और फिर इसके बाद महिला आंदोलन ने महिला स्थिति को सुधारने का प्रयास किया। ठीक। लेकिन क्या, अब देखिए यहाँ एक प्रश्न लगता है कि क्या इन सारे माध्यमों से, कहने में तो बहुत आसान है कि हाँ महिला स्थिति सुधरी और देश में कानून बने, संवैधानिक प्रयास किए गए, योजना बना दिया गया, तो क्या ऐसे में महिलाओं की स्थिति सुधर गई? नहीं,
जब आज वर्तमान में हम देखते हैं तो वर्तमान में कहीं ना कहीं महिला स्थिति आज भी कमजोर दिखाई पड़ती है। ठीक है, आज भी महिला समस्या दिखाई पड़ती है, वो विभिन्न रूपों में। ठीक, लिखिए, परंतु आज भी इन प्रयासों के बावजूद भी परंतु आज भी इन प्रयासों के बावजूद भी महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार नहीं माना जा सकता, व्यापक सुधार नहीं माना जा सकता। आज भी लिंग असमानता आज भी लिंग असमानता से संबंधित आज भी लिंग असमानता से संबंधित विभिन्न कुरीतियों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है, विभिन्न कुरीतियों का सामना महिलाओं को करना पड़ता है। आज भी महिलाएं आर्थिक असमानता आज भी महिलाएं आर्थिक असमानता की शिकार हैं। महिलाओं के घरेलू कार्यों को आज भी आर्थिक मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई है, आज भी आर्थिक मान्यता प्राप्त नहीं हो पाई है। अभी हाल ही में एक रिसर्च हुआ था, वो रिसर्च में महिलाओं के घरेलू कार्य को मान्यता देने के लिए जो भी मुद्दे थे उसको उठाया गया था। उसमें कुछ काम जैसे महिलाओं का जो घरेलू कार्य है वो सब मिला करके उसमें माना गया कि अगर सैलरी इन कामों पर निर्धारित कर दिया जाए तो वो सैलरी कितनी हो सकती है मंथली, जो महिलाएं घरेलू कार्य करती हैं, घर के कार्य करती हैं, अगर उसका पारितोषिक निर्धारित किया जाए, सैलरी निर्धारित किया जाए तो कितना हो सकता है। तो उसमें कुछ संस्थाएं थी जिन्होंने रिसर्च किया और अपना रिसर्च के माध्यम से जो आउटपुट निकल के आया उसको बताया। तो नॉर्मली जो आप लोग गेस कर सकते हैं कितना सैलरी होना चाहिए, कमेंट कीजिए। एक घरेलू कार्य जो महिलाओं का होता है उसके लिए कितना सैलरी होना चाहिए आप लोग? अच्छा, 5,000, कोई 10,000, कोई 50,000 बोल रहा है, 60 से 70 हजार, कोई 1.5 लाख, कोई 2 लाख भी बोल रहा है। ठीक है, देखिए भावनाओं में नहीं बहना है, महिला है तो महिला होने की वजह से 5 लाख सैलरी मिलने वाली है नहीं, है ना, हम दे नहीं सकते। तो भावनाओं में बहके नहीं बल्कि एक तार्किक आधार पे रैशनल आंसर होना चाहिए आपका। तो एक सोचिए इस तरीके से कि जो नॉर्मल काम होता है महिलाओं का घर में तो उस पर कितनी सैलरी, उनको अगर सैलरी देने की बात हो तो कितनी देनी चाहिए। ठीक है, देखिए उस संस्था ने जो, हाँ ठीक है, 10,000, 20,000, 50,000 जो भी लिख रहे हैं अच्छी बात है। कुछ लोग भावनाओं में लिख रही हैं, जो महिलाएं भावनाओं में लिख रही हैं कि हाँ इतना मिलना चाहिए, और जो पुरुष हैं जो सोचते हैं कि ना मिले तो कह रहे हैं कि नहीं मिलना चाहिए, या 5,000 मिलना चाहिए, 1,000 मिलना चाहिए। ठीक है, इन सब पे नहीं, रेशनल आधार पे अगर देखा जाए तो जो कंपनी थी, जो रिसर्च इंस्टीट्यूट था, उसने 35,000 मंथली सुनिश्चित किया था कि अगर जो काम करती है कि 35,000 उस पर सैलरी होनी चाहिए। लेकिन बहुत सी महिलाएं उसमें है कि जो काम उसमें दिया गया था वो सारे काम नहीं करती हैं। ठीक है, उसने वो रिसर्च लग रहा था कि बेसिकली जो था वो रिसर्च शहरी जो महिलाएं हैं उनके ऊपर था, शहरी महिलाओं के ऊपर था। तो उसमें जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग हो गया, ठीक है, वो भी सम्मिलित था। ठीक है, जबकि ग्रामीण महिलाओं में ऐसे ये काम नहीं होता है,
बाजार जाना, ठीक है, बहुत सारी ऐसी चीजें थी, बच्चे को डॉक्टर को दिखाना, तो बहुत मतलब लगभग सारी चीजें उसमें घर की सम्मिलित थी, और वो सब लेकर के 35,000। तो अगर उसको भी काट दिया जाए तो कम से कम जो एक आधार होना चाहिए वो 15,000 तो कम से कम होना ही चाहिए। जो घर के काम है उसको लेकर के अगर देगा तो 15,000 तो होना चाहिए। लेकिन वही महिला घर का काम करेगी, वही महिला दिन भर सबको देखती है, पूरे परिवार को एकत्रित करके रखती है और सारा काम करेगी, लेकिन जब वही 2,000 रुपए की डिमांड करती है तो उसको जला दिया जाता है, ठीक है, प्रताड़ित कर दिया जाता है, या फिर गाली दे करके या मारपीट होता है, ऐसी सिचुएशन दिखाई पड़ती है। जरूरी नहीं कि पैसा दिया ही जाए, डिमांड करती ही है या नहीं करती है, या बहुत सीधी है ऐसा भी नहीं है, बहुत सी ऐसी चोरी कर लेती है या फिर निकाल भी लेती है जेब से, मार के पति को भी लेने वाली महिलाएं इस समाज में हैं, ऐसा नहीं है सब कुछ। लेकिन हम एक अगर अभी चूंकि हम लोग देख रहे हैं कि महिलाओं की परिस्थिति के आधार पर, तो जो महिलाएं वास्तव में इसके लिए एलिजिबल हैं उनकी स्थिति क्या हो सकती है? क्या 15,000 का काम करने के बाद उनको 2,000 का हक भी नहीं बनता है? बनता है ना, 2,000 4,000 तो। और बहुत से परिवार ऐसे हैं कि जो इसको मानते भी हैं, वो जानते हैं कि इतने का उनको वैल्यू पता है, कि इतने का काम कर रही है तो हमको उसके लिए एवज में क्या करना है, तो सारी सुख सुविधाओं को देते भी हैं, देने का भी काम करते हैं। लेकिन अगर सब मान जाएंगे, सब ऐसा करेंगे, तो फिर घरेलू हिंसा जैसे जो अपराध दर्ज होते हैं एनसीआरबी के थ्रू दिखाई पड़ते हैं महिला अपराध में, तो वो कहाँ से आते हैं? तो यही चीजें हैं कि जहां डिस्प्यूट का सिस्टम होता है, जहां पे डिस्प्यूट होते हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं सब कुछ हम कहते हैं लेकिन अधिकार, महिला अधिकार की बात करते हैं, लेकिन आज भी महिलाओं के घरेलू कार्यों को आर्थिक मान्यता प्राप्त नहीं है। लोग जानते हैं नौकरानी आई है तो करेगी ही। अभी देखिए कल परसों सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन आया महिला से संबंधित, परसों आया था, कि अब सास ससुर के घर से महिलाओं को, सॉरी बहुओं को नहीं निकाला जा सकता, है ना? तो ये क्या है, सास ससुर के घर से बहू को नहीं निकाला जाएगा, संपत्ति में उसका अधिकार जब तक बेदखली नहीं करेगा पुत्र को, अगर पूरी तरीके से निकालना है तो बेदखली करना होगा किसको, पुत्र को भी करना पड़ेगा, और बेदखली करना पड़ेगा तब उस महिला का अधिकार वहां से खत्म होगा। तो ऐसी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ मैटर इसमें रहे हैं। तो ये पॉजिटिविटी भी है महिलाओं के लिए, लेकिन कहीं ना कहीं उन बुजुर्गों के लिए, जहां हम देखते हैं बुजुर्ग का केस है, बुजुर्गों की समस्याएं हैं, तो उस समस्या में कहीं ना कहीं उनके लिए ये चीज घाटे का भी है। उनकी समस्या इसमें दिखाई कि अगर कोई महिला ऐसी है कि जो अपने अधिकार को हद से ज्यादा प्रयोग करना चाह रही है, तो फिर सास ससुर की तो खैरियत नहीं ऐसी स्थिति में, ठीक। तो कहीं ना कहीं एक पक्ष अगर मजबूत हो तो एक पक्ष कहीं ना कहीं उसके थोड़े बहुत निगेटिव प्रभाव भी दिखाई पड़ते हैं। लिखिए आगे, आज भी महिलाओं को शिक्षिका, आज भी महिलाओं को शिक्षिका, नर्स, एयर होस्टेस जैसे नौकरियों तक सीमित रखा जा, नौकरियों के लिए उपयुक्त माना जाता है, के लिए ही उपयुक्त माना जाता है। आज भी ऐसी अवधारणाएं हैं, महिला कौन सा शिक्षिका वाला बढ़िया रहेगा, नर्स बनवा दो ठीक है, एयर होस्टेस जिसमें बस मतलब वो जहां सामुदायिक भावना महिलाओं की ही है ना, ऐसे काम, और कहीं वही दूसरा कह दो बिजनेस करने के लिए ना, ये तुम नहीं कर पाओगी, राजनीति कर नहीं कर पाओगी, सब कुछ कर लेंगी, आज सब कर रही है, हाँ रिसेप्शनिस्ट होने के लिए ठीक है, ये सब सारी जॉब उनके लिए ऑफर किया जाता नहीं, यही जॉब में सटीक है ठीक है, जहां सटीक है, लेकिन आप मौका अन्य चीजों के लिए भी दो। लिखिए आगे, आज भी दहेज प्रथा बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध, विधवा विवाह निषेध, महिलाओं के साथ अभिशाप के रूप में जुड़ा है, महिलाओं के साथ अभिशाप के रूप में जुड़ा है।
देखिए आज भी क्या है कि गांव में विशेष रूप से विधवा पुनर्विवाह को मान्यता नहीं मिल पाई है। शहरों में तब भी मिल गया है, 100% नहीं कह सकते शहर में, लेकिन अगर संख्यात्मक दृष्टि या प्रतिशत के आधार पर देखें तो आज भी गांव में विधवा विवाह को मान्यता नहीं दी गई है ना, जबकि कानून बन गया है 1955, 1956, ठीक है, और उसके पहले ही 1800 1829 में ही, ठीक है, 1856 में कानून आ गया था विधवा पुनर्विवाह, लेकिन उसके बावजूद क्या है, मान्यता नहीं मिल पाई है आज भी। तो ऐसी स्थितियां कहीं ना कहीं महिलाओं को कमजोर दिखाती है। लिखिए आगे, आज भी महिलाओं को, आज भी लड़कियों को, आज भी लड़कियों को अपने जीवन साथी के चयन में, आज भी लड़कियों को अपने जीवन साथी के चयन में अधिकार से वंचित रखा जाता है। जीवन साथी के चयन के अधिकार से वंचित रखा जाता है, बल्कि बल्कि माता-पिता नातेदारों की भूमिका अधिक होती है। माता पिता तथा नातेदारों की भूमिका अधिक होती है। ठीक, अभी भी महिला लड़कियां अगर बोले कि बहुत जगह ऐसे है कि उनको बताया भी नहीं जाता कि जिससे तुम्हारी शादी तय करने जा रहे हैं उसका क्या कंडीशन है, क्या मतलब किस रूप में, उसको दिखाया भी नहीं जाता और शादी तय कर दी जाती है। उसको बोलने तक का भी अधिकार नहीं है कि मुझे शादी पसंद है या नहीं है, ठीक है। और उसमें देखिए, जिसको साथ में रहना है, जिसको साथ में रहना है, जीवन व्यतीत करना है, उससे नहीं पूछेंगे, और 20 लोगों से आस पड़ोस में पूछ लेंगे, नातेदार, तब ये फला है, ये फूफा जी हैं, नाना जी हैं, ये मामा है, ये दुनिया भर के नौटंकी वाले लोग हैं, सबसे पूछ लिया जाएगा और सबके विचार जानने की कोशिश भी की जाएगी। लेकिन वह जिसको शादी करना है और जिसको अपने जीवन को आगे चल के व्यतीत भी करना है, उससे राय नहीं लिया जाएगा, उससे पूछा भी नहीं जाएगा। आज भी ऐसी मान्यताएं हमारे देश में दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, आगे लिखिए, आज भी बलात्कार, छेड़छाड़, आज भी बलात्कार, छेड़छाड़, यौन शोषण, यौन शोषण, मादा भ्रूण हत्या, मादा भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, आज भी बलात्कार, छेड़छाड़, यौन शोषण, मादा भ्रूण हत्या, कन्या शिशु हत्या, पोषण में भेदभाव जैसी घटनाएं व्याप्त हैं, जैसी घटनाएं व्याप्त हैं। सुपुत्र हैं और सुपुत्री हैं, घर में एक लड़की है और एक लड़का है, तो बहुत से लोग माँ बाप हैं ऐसा सोचते हैं कि सब लड़के को खिला दो पूरा एकदम, यही हमारा उद्धार करेगा, ठीक है, चुपके चुपके खिला दो, लेके जाओ बेटा बाहर खा लेना, तुम उसको देख लेगी तो छीन लेगी आपसे, है ना। लड़के को खूब मजबूत, तो पढ़ने में गधा है तो उसको दिल्ली भेज देंगे, जाओ तैयारी करो, लड़की ब्रिलियंट है पढ़ने में, सब कुछ उसको समझ में आ रहा है, कह भी रही है, तुम क्या करोगी जाकर के, तुम्हारी तो शादी कर देंगे, ससुराल दहेज में वैसे कम खर्चा होने वाला है कि तुम्हारे ऊपर चले पढ़ाई में खर्चा करे। तो ऐसी है, बहुत सी मानसिकताएं बदल भी रही हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इन सबके बावजूद भी ऐसा कुछ नहीं है रामेश्वरी जी, ऐसा है अभी समाज और दुनिया आपने देखा नहीं है, देखिए निकल के बाहर तो आपको समझ में आएगा कि ऐसा है या नहीं है। आपके साथ सब अच्छा है तो सब एवरीथिंग इज गुड, देन एवरीथिंग इज गुड, है ना। अगर आपको सब, आपके घर में सब अच्छा है तो दुनिया अच्छा नहीं है, ठीक है। थोड़ा सा राजस्थान में, अगर आप राजस्थान चले जाइए और या हरियाणा में जाइए, तो राजस्थान के सुदूरवर्ती क्षेत्रों में आज भी महिलाओं की स्थिति देख करके आपके रूह कांप जाएंगे, ठीक है। हरियाणा की स्थिति देख लीजिए,
हाँ ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ऐसा हर जगह है, इसमें बहुत सारी चीजें आज लोग लड़कों को और लड़कियों को बराबर का दर्जा देने का काम मानसिकता लोगों की बदल रही है, और धीरे धीरे लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, लड़कियों को स्वतंत्रता भी दे रहे हैं, लेकिन तब भी कहीं ना कहीं ये सारी चीजें हमारे समाज में दिखाई पड़ती हैं। आज भी महिलाओं के साथ ऐसे भेदभाव होते हैं। अब जिसको दिखता नहीं, जो नहीं देखा है, उसको लगेगा ये सब सर क्या बोल रहे हैं, झूठ मूठ का हमको बेवकूफ बना रहे हैं, ठीक है, लेकिन है, आप सामाजिक अध्ययन करेंगे तो सब कुछ मिलेगा, ठीक। लेकिन आज भी अंतर जातीय विवाह करने वालों के, आज भी अंतर जातीय विवाह करने वालों की हत्या कर दी जाती है, आज भी अंतर जातीय विवाह करने वालों की हत्या कर दी जाती है। अंतर जातीय मतलब इंटरकास्ट, अपने जाति से परे, और उसमें अगर प्रेम विवाह, देखिए जो खाप की चर्चाएं आप सुनते होंगे, हरियाणा विशेष रूप से और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की चर्चा, खाप पंचायत, एक मूवी भी आई है खाप करके, तो खाप पंचायत अंतर जातीय विवाह करने, अगर कर भी लिया, अंतर जातीय विवाह कर भी लिया, तो उसमें क्या है, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा सब खत्म हो जाती है और हत्याएं होती हैं, ठीक है, अपना कर पाए तो कर पाए, नहीं तो पैसा पैसा दे करके हत्या कर, वही पैसा देकर सेटल करवा दो, छोड़ दो, ठीक। अभी एक बवाल हुआ था, आपने देखा था, विधायक जी थे बरेली के, उनकी लड़की, और ठीक है, तो वो जो केस, ऐसे बहुत सारे केस, ठीक है, सब कुछ जो परंपराएं प्रथाएं रूढ़िवादिता उसमें दिखाई पड़ती है, लेकिन समय के साथ बदलाव भी होना जरूरी है, बट उसको गलत तरीके से पेश नहीं किया जाना चाहिए। अधिकार सबको है, लेकिन अधिकार का हनन नहीं होना चाहिए, बाकी सब ठीक है, ठीक। तो ऐसी स्थिति में देखा जाता है कि आज भी अंतर जातीय विवाह करने वालों की हत्या कर दी जाती है, ठीक। ऐसे लिखिए, उपरोक्त स्थितियां आज भी भारत में, उपरोक्त स्थितियां आज भी भारत में स्त्रियों की निम्न स्थिति, स्त्रियों की निम्न स्थिति को दर्शाती है, को दर्शाती है। ठीक, ये तो महिलाओं की परिस्थिति है, जिसको हम लोग देखे वैश्विक आधार से लेकर के और अभी तक की स्थिति भारत में महिलाओं की क्या रही है, वैदिक, उत्तर वैदिक, पौराणिक, बौद्ध, मध्य और आधुनिक भारत में ब्रिटिश शासन के बाद आजादी से अब तक की स्थिति महिलाओं की क्या रही है, खाप पंचायत की क्या क्या होता है। देखिए, खाप पंचायत है, खाप मतलब एक ऐसी व्यवस्था जिसमें उसके कुछ सदस्य होते हैं, और वो सदस्य उस समाज के सदस्य, जैसे विशेष रूप से अगर कहा जाए तो कुछ हैं, जैसे गुर्जर एक प्रजा जाति है गुर्जर, तो इन लोगों में ये ज्यादा देखने को मिलता है, तो उनकी एक व्यवस्था है कि हमारे समाज का संचालन हम खुद करेंगे, और कुछ व्यवस्थाओं को लेकर के जिसमें संवैधानिक या कोर्ट के मामले भी इसमें हावी नहीं हो सकते, सुप्रीम कोर्ट का मैटर था, जाट भी इसमें होते हैं, ठीक है, ऐसे जाट और गुर्जर में ये प्रथाएं ज्यादा पाई जाती हैं, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी खाप पंचायत को अवैध मान दिया, अवैध कर दिया था, लेकिन उसको भी सुप्रीम कोर्ट के मैटर को भी ये लोग निग्लेक्ट कर देते हैं, और अपने जात के बीच के सदस्यों में इन मुद्दों का निर्धारण वो खुद करना चाहते हैं, उसको सम्मिलित रूप से हम लोग बोलते हैं खाप, यानी उनकी अपनी एक व्यवस्था, उसको खाप नाम दिए हैं, नाउन है, और खाप के नाम से उसको जानते हैं, कि अगर ऐसा कोई मुद्दा होता है तो उसमें पूरे, न केवल उस घर के उस लड़की की या उसके परिवार वालों की इज्जत जाती है, बल्कि पूरे समाज की इज्जत चली जाती है ना, और इज्जत चली गई तो लाएंगे कैसे मार के, उसको मार दो बस इज्जत आ जाती है, तो उसमें शान है कि अब मार देना ही उनकी इज्जत है, तो उसमें लड़कियों को मार देते हैं, ठीक। ये खाप पंचायती व्यवस्था है जो गलत है, ठीक है। अब देखिए, यहां तक तो स्थिति है, स्थिति को सुधारने का प्रयास जो है, आप लोग जस्टिस में पढ़े हैं, जस्टिस में आपको पढ़ाया गया है कि कौन कौन से
सुधार किए गए हैं। ऑनर किलिंग, हाँ इसको ऑनर किलिंग कहते हैं, खाप पंचायत में जो ऑनर किलिंग होती है। हाँ ठीक है पाठक जी, सही बोल रहे हैं। उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन क्या करेगा जब पूरा एक भीड़ देखिए, लोकतंत्र तो लोग नौकरी बचाने का काम करते हैं, सुप्रीम कोर्ट के आर्डर को जो नहीं मानता है वो क्या एडमिनिस्ट्रेशन को मानेगा? कितना प्रताड़ित। तो आप देखते हैं एक ऐसा ऐसे ऐसे एरिया है जहां पुलिस पुलिस जाती है तो वहां से खुद अपनी जान बचाने में लगी रहती है। ठीक है एडमिनिस्ट्रेशन भी सोचता है हमको नौकरी करना, निकल जाएंगे, 1 साल 2 साल की अगर बात है वो सामूहिक प्रयास से खत्म होगा और उसमें बड़ा कदम उठाना पड़ेगा। जैसे नक्सलवाद है, नक्सलवाद क्या है, हमारी देश की समस्या है लेकिन उसके क्या खत्म नहीं हो सकता, लेकिन बड़ा कदम उठाना पड़ेगा, अपने ही लोगों को मारना पड़ेगा, उसमें बहुत बड़ी द्वंद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, तो उसको धीरे 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 करके खत्म करने का प्रयास किया जाता है। अचानक से एडमिनिस्ट्रेशन अगर चला जाएगा और उस पर दबाव बनाएगा तो स्थितियां विपरीत भी हो सकती हैं। तो सब कुछ क्या होता है, बहुत सारे पहलू समझ करके कार्य किए जाते हैं। आप भी जाएंगे जब एडमिनिस्ट्रेशन में तो हर कदम पर आपको फैसला जो लेना होगा वो आवेश में आकर के या फिर किसी परिस्थिति को देख करके तुरंत नहीं ले सकते, आप उसमें हर पहलू को समझेंगे तब जाकर के कदम उठाएंगे। ठीक है अब देखिए इसमें जो महिलाओं से संबंधित जो अपराध है उसको लिख लीजिए। जस्टिस में आप लोगों ने लिखा है घरेलू हिंसा, आपराधिक हिंसा या सामाजिक हिंसा, ये सारी चीजें। हाँ समाज को जागरूक करना होगा तभी जा करके स्थितियां, सबसे बड़ा जो प्रयास है वो यही है, समाज को जागरूक करना होगा और फिर आगे कोई जागरूकता के बाद शिक्षित करना, यानी शिक्षा के माध्यम से, अन्य व्यवस्थाओं के माध्यम, अधिकारों के माध्यम से जागरूक करना होगा, तब जाकर के कुछ हो पाएगा। ठीक है टाइम हो गया है आप लोगों का, तो आगे हम लोग कल चर्चा करेंगे। आप लोग जो जस्टिस में, ठीक है, महिलाओं से संबंधित जो प्रयास किए गए हैं उसको देख लीजिएगा एक बार, और बाकी कल इसके आगे थोड़ी चीजें हैं वो, और महिला आंदोलन, ये सब हम लोग कल चर्चा करेंगे। ठीक कुछ कल आप लोग इसको रिवाइज कर लीजिएगा, बाकी और चीजों को मैं कल और डिटेल्स में बताऊंगा। रिवीजन साथ में करते रहिए। क्वेश्चंस महिला पे हर साल एक क्वेश्चन पूछता है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसलिए आप लोग क्या करिए, रिवीजन करते रहिए। ठीक है।